अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे। आज फिर हम लोग आपको बाहर लेके जाएंगे। आज हम लोग शादाब कबाब में फिर से आए हैं क्योंकि इन्होंने अभी नया एक वो फ्राई का पूरा रमज़ान का फ्राई का आइटम स्टार्ट किए हैं। तो आज हम लोग सिर्फ वही ट्राई करेंगे, फ्राई का जो मेन्यू उन्होंने स्टार्ट किया है उसमें चिकन दाना है, मटन समोसे हैं, काफ़ी सारे मतलब 7-8 आइटम उन्होंने नया स्टार्ट किए हैं। तो रास्ता भी हमारे साथ में। रास्ता कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसा लग रहा है आपको अपने रेस्टोरेंट में आके? बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो अभी अपने जो ये नया जो फ्राई आइटम स्टार्ट किए हैं आज वो ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, बाकी तो अपने सब ट्राई किए हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इनके पास क्या क्या है। तो हम लोग शादाब कबाब में आ गए हैं। पूरा नहीं बताऊँगा इस बार क्योंकि हमने पूरा आपको पहले बताया हुआ है। ये इन्होंने नया लाइव काउंटर यहाँ पर स्टार्ट किया है। ये देखिए आप, ये पूरा इनका मेन्यू है। चिकन स्टिक है, चिकन दाना है, चिकन पॉकेट है, मटन समोसे हैं, शामी कबाब है, मुर्दा फ्राई है, हलीम भी है माशाल्लाह। तो इन्होंने ये रमज़ान के हिसाब से पूरा मेन्यू सेट किया है। आज अपन सिर्फ ये ट्राई करेंगे, पहले हमने बाकी सब ट्राई किए हैं। ये लाइव इनका काउंटर देखिए आप। आशिया भाई कैसे? बढ़िया सर। आप क्या क्या नई चीज़ें लेके आए हो इस बार रमज़ान के लिए? मटन के समोसे लेके आए। वाह माशाल्लाह, शामी कबाब लेके आए। ये देखिए शामी कबाब है। हाँ जी। और ये मटन के समोसे है। मटन के समोसे हैं। और ये चिकन स्टिक है। चिकन स्टिक है ये। और ये पॉकेट चिकन। ये पॉकेट चिकन है। अच्छा हाँ जी, पॉकेट चिकन। और ये हमारा चिकन दाना। ये चिकन दाना माशा। देखिए सब कुछ चीज़ें एकदम फ्रेश है, एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी है। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ रखा हुआ है, जो जैसे ऊपर जो ये कोटिंग देखिए आप एकदम फ्रेश है, कुछ भी सूखा हुआ नहीं है। समोसे हैं देखिए, समोसे ये क्या है? ये शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। अब हम लोग अंदर चलते हैं, शिवा भाई जब फ्राई करेंगे तो वापस आएंगे। ठीक है शिवा भाई, तो हम लोग अंदर जाते हैं और हम लोग यहाँ बैठ के आज ट्राई करेंगे इनका फ्राई जो है, जो भी फ्राई आइटम है वो सारा। चलिए यहाँ बैठते हैं रास्ता पर। रास्ता और हम लोगों को टेबल मिल चुकी है माशाल्लाह, हम लोग बैठ गए हैं। बस इनका जो आज हम लोग सिर्फ वही ट्राई करेंगे जो फ्राई आइटम इन्होंने स्टार्ट किया। नहीं रास्ता, जो रमजान मुबारक के मौके पर फ्राई आइटम स्टार्ट हुए हैं वही आज ट्राई करेंगे। चले वो मैंने मेन्यू लेके आना। तो फ्राई का मैंने मेन्यू मंगा दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ इनके पास क्या क्या। वैसे तो मैंने दिखा दिया है, फिर से अपन क्लोजअप में दिखा देते हैं जो फ्राई आइटम इन्होंने स्टार्ट। ये देखिए आप, इनका जो रमज़ान का जो स्पेशल मेन्यू है वो इनका है, शादाब कबाब। इसका फ्राई आइटम में चिकन स्टिक है, चिकन दाना है, तीन पोर्शन मिल जाएगा आपको, चीज़ पॉकेट चिकन मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। ये मैंने भी ट्राई किया क्योंकि मेरी खुद की रेस्टोरेंट है इसलिए। मटन समोसे हैं, मटन शामी कबाब है, गुर्दा फ्राई है, भेजे हैं और हलीम है। तो माशाल्लाह आप इसको ऊबर ईट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ के अभी 50% डिस्काउंट पे सारे हैं, रमज़ान के मौके पे 50% डिस्काउंट है। तो ये देखिए पूरा मेन्यू है। रास्ता ऑर्डर करें अपन? बिल्कुल करें। चलो ऑर्डर करते हैं। रास्ता देंगे मुकेश भाई को, दो मुकेश भाई ऑर्डर। आप पैसा करें पाव चिकन दाना जी सर, एक प्लेट चीज़ पॉकेट चिकन, मटन समोसा, मटन शामी कबाब और मटन भेजा फ्राई और हलीम। तो पहले क्या करना है, ये जो फ्राई आइटम दिए ना जी सर वो सब लेकर जाना, उसके बाद में भेजा और हलीम ले जाना। ठीक है, क्या 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 रास्ते का बता दो। इसमें अपने ने दिया है सब, चिकन दाना, चीज़ पॉकेट चिकन, मटन समोसा, मटन शामी कबाब, मटन भेजा फ्राई और हलीम। चलिए फिर ये जब ऑर्डर लेके आते हैं, अब तक हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे इनका जो फ्राई आइटम जो स्टार्ट किया उसका। ठीक है रास्ता? बिल्कुल भाई। तो बस हमने ऑर्डर तो कर दिया है, अब हम लोग इंशाल्लाह बताएंगे आपको कि कैसे फ्राई कर रहे हैं, कि इनकी हाइजीन एकदम साफ सुथरा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए अब इनके बाहर इनके काउंटर में देखें। शिवा भाई हम लोग वापस आ गए, हमारा ऑर्डर कर ले। तो आप क्या लगा रहे हो, चिकन दाना? हाँ जी। इधर रखो उसको चिकन दाना। देखिए आप, हमने पाव ऑर्डर किया है, ये अभी हमारे कस्टमर का ये ऑर्डर तैयार हो रहा है, उसके बाद फिर हमारे ऑर्डर सारे। चलो लगाओ कहा कि पहले चिकन दाना के जगह पहले अपन ये ट्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे जो पॉकेट चिकन जो उन्होंने नए स्टार्ट किए, चिकन चीज़ पॉकेट, ये फ्राई हो रहे हैं और काफ़ी स्लो फ्लेम में इसको फ्राई करना पड़ता है क्योंकि कच्चे नहीं रह जाए। नहीं शिवा भाई, इसको स्लो फ्लेम में करना पड़ता है, टाइम लगता है इसमें। नहीं, इसको थोड़ा टाइम लगता है। देखिए आप कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। क्रिस्पी नहीं होते जी जी। इसमें स्टफिंग किस किस की है? इसमें चीज़ है और आमलेट भी गया हुआ इसमें और साथ में चिकन भी गया। बोलिए स्टफिंग बताइए। और देखिए माशाल्लाह ये हमारा चिकन चीज़ पॉकेट तैयार हो रहा है। तो ये हमारे पॉकेट चिकन तैयार है, देखिए आप कितने क्रिस्पी है। देखिए आप ज़बरदस्त क्रिस्पी है माशाल्लाह। आप ये शिवा भाई लगाएंगे हमारे लिए, क्या लगा शिवा भाई? आप चिकन दाना लगाएं। चिकन दाना फ्राई करेंगे आप? चलो डालो।
सारे चीज़ें मैं साथ ही ट्राई करूँगा। पॉकेट चिकन के बाद में चिकन दाना भी तैयार हो गया हमारे साथ। भाई ये सब चीज़ फ्रेश ही ना आज भाई, सब चीज़ फ्रेश एकदम आज। तो गलत से पता चल जाता है कि सारी चीज़ें एकदम फ्रेश है और किसी भी क्वालिटी का इंग्रेडिएंट का सब कुछ यूज़ किया गया है इसमें। जब तक ये हमारा चिकन दाना तैयार होता है फिर बाद में देखते हैं। देखिए आप, ये हमारा जो चिकन दाना ये तैयार है, अब दोनों हमारे पॉकेट चिकन और दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग ये पहले ट्राई करेंगे उसके बाद। हाँ भाई, हमारे दोनों चिकन दाना और पॉकेट चिकन तैयार हो चुके हैं। पहले हम लोग ये ट्राई करेंगे उसके बाद में फिर बाकी की चीज़ें ट्राई करेंगे। रास्ता तैयार हो गए, मैं ले लिया वीडियो। बिल्कुल इंशाल्लाह, चलो। तो ये चिकन पॉकेट चिकन है और ये चिकन दाना है। चिकन दाना आ गया माशाल्लाह, देखिए आप। तो बस इसको पहले ट्राई कर। तो बस ये हमारा चिकन पॉकेट है। रास्ता एग नहीं खाते हैं तो मैं इसको ट्राई करूँगा। तो ट्राई करते हैं रास्ता अभी तक, वो तो ट्राई करो पहले आप। ये चिकन दाना ट्राई करो। कैसा रास्ता? जूसी है माशाल्लाह, जोरदार है। बहुत अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त है पॉकेट चिकन। इसमें चिकन बोनलेस है, चिकन का कीमा है और इसमें ऑमलेट भी है। ऊपर से इन्होंने मैदे की जो कोटिंग की वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मैदा भी अच्छा क्वालिटी का है, बदबू बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब मैं ट्राई करूँगा चिकन दाना। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, जूसी बहुत है माशाल्लाह और जो मैरिनेशन वो भी ज़बरदस्त है। दो चीज़ें हमने ट्राई करी है, अब समोसा और जो बाकी जो है वो हम लोग ट्राई करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने ट्राई कर ली है माशाल्लाह। अब हम लोग ट्राई करेंगे मटन समोसे और जो बचे हुए हैं फ्राई करते हैं, देखते हैं उनके से। हमारे मटन समोसे ट्राई कर रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए हमारे ये समोसे भी तैयार है माशाल्लाह और ये हमारे मटन शामी कबाब भी तैयार है। ये दोनों हमारे तैयार हैं। शुरुआत डाल रहे हैं अंदर, इसमें रखो। और ये दोनों हमारे तैयार है, हम दोनों ये ट्राई करते हैं फिर भेजो और हलीम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे मटन समोसे भी आ गए और ये शामी कबाब भी आ गए। एक हमने बिना अंडे के फ्राई किया क्योंकि रास्ता को अंडा सूट नहीं करता, इसलिए चलो रास्ता ट्राई करो पहले शामी कबाब ट्राई करो। ये मटन समोसे। हाँ भाई, रास्ता ट्राई करो। बिल्कुल भाई साहब, जोरदार है, जोरदार। चलो अब मैं भी शामी कबाब ट्राई करता हूँ फिर आपको बताते हैं मेरे को कैसा लगा। मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊपर से जो रास्ता ने खाया वो बिना अंडे के, मैं अंडे को मैं कुछ ज़्यादा पसंद है तो शामी कबाब का अंडा भी जाता ही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मसाला, नहीं रास्ता मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो जो फ्राई आइटम का जो भी मेन्यू है अभी तक हमने सब ट्राई किया माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है। अब हम लोग समोसे ट्राई करेंगे। हाँ सर, समोसे लो। बहुत
बहुत अच्छा है मटन है, ये बहुत अच्छे से बेक्ड है और मैदा बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है। अब मैं भी समोसे ट्राई करता हूँ। काफ़ी क्रिस्पी है माशाल्लाह, देखिए आप। और अंदर से जो इन्होंने कीमे में जो मसाले लगाए हैं, वो उसके जो फ्लेवर्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब हम लोग मतलब ये जो स्टार्टर्स थे वो हमने खा लिए हैं, अब हम भेजा और हलीम ट्राई करेंगे। रास्ता भेजा का रिव्यू देंगे और मैं हलीम का रिव्यू दूंगा, ठीक है ना सर? बिल्कुल। हलीम आ गया, ऐसा भेजा, मटन भेजा, ये मटन भेजा है, बहुत बढ़िया गार्निश किया। बस हम लोग ये ट्राई करते हैं, देखिए हलीम है और ये भेजा है, मैं ट्राई करता हूँ। रास्ता की रोटी भी आ गई है, लो रास्ता भी लो। पहले मैं हलीम ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए आप, हलीम खाने का मज़ा हाथ से आता है, मैं हलीम या बिरयानी हमेशा हाथ से खाता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त है, देखिए आप। अब रास्ता ट्राई करो, रास्ता आपको भेजेगा रिव्यू देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, खाना का लुत्फ उठाते हैं, फिर एंड में जाके आपको रिव्यू पूरा कंप्लीट करेंगे और आपसे आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। सब हमने सारी चीज़ ट्राई की, सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अभी माशाल्लाह A1 क्वालिटी के हैं, तभी तो आज शराब का खजूर में नाम है देर आसा। तो ये सब आप लोगों की दुआएं भी है माशाल्लाह। चलिए अब हम लोग फिनिश करते हैं, फिर बात करते हैं। तो बस हम लोगों ने माशाल्लाह खाना ख़त्म कर लिया है। कैसा रहा रास्ता एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे जो नया या अपन लोगों ने स्टार्ट किया है फ्राई का? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं फ्राई के सारे आइटम, स्पेशली भेजा फ्राई जो है वो बहुत ही बेहतरीन है रमज़ान के हिसाब से, कि उसमें मसाला जो है वो इतना लेविश है कि आपको किसी तरह की कोई दूसरी परेशानी नहीं है। तो बस यहाँ पर आपने रास्ता का जो रिव्यू है वो सुन लिया है माशाल्लाह, मेरे को भी बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, क्योंकि है तो मेरी रेस्टोरेंट लेकिन खाने में बहुत मज़ा आता है और एकदम A1 क्वालिटी थी माशाल्लाह। तो बस आप लोग यहाँ पे आके जो शदाब कबाब का जो फ्राई जो रमज़ान का मेन्यू है वो आप ज़रूर ट्राई करें, उसमें जो भी फ्राई आइटम वो सब एक एक करके आप ट्राई करें। तो चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, और रमज़ान के महीने हमें आप दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो मुलाकात भी होगी। राज साहब कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, दुआ में याद रखें सर, और सबसे बड़ी बात अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। चलिए यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।